भारत सरकार के केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे बुधवार को भागलपुर के सर्किट हाउस पहुंचे, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय राज्य मंत्री का जोरदार स्वागत किया। वहीं कार्यकर्ताओं से मिलने के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जिसमें उन्होंने मुख्यमंत्री और बिहार सरकार पर जमकर निशाना साधा। मंत्री अश्विनी चौबे ने कहा कि बिहार में शराबबंदी लागू है, लेकिन यहां जहरीली शराब पीने से लगातार लोगों की मौत हो रही है, जबकि पहले भी बिहार के अन्य जिलों में सैकड़ों लोगों की जान जहरीली शराब पीने से हो चुकी है। साथ ही केंद्रीय मंत्री ने लखीसराय में खुलेआम अपराधियों द्वारा कई लोगों को गोली मारकर हत्या कर देने के मामले को लेकर कहा कि बिहार की नीतीश तेजस्वी सरकार गूंगी, बहरी और नंगड़ी सरकार है, जिससे अब बिहार नहीं संभल रहा है। केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने कहा कि नीतीश कुमार से अब बिहार नहीं संभल पा रहा, इसीलिए उन्हें मुख्यमंत्री पद से तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए। इसके अलावा बक्सर सांसद ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा सदन में बीते दिनों दिए गए अमर्यादित बयानों पर भी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि नीतीश कुमार की वाणी भी काफी अभद्र हो गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि आगामी 2024 लोकसभा चुनाव में बिहार की जनता नीतीश सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंकेगी और देश के साथ बिहार में भी भाजपा नेतृत्व वाली एनडीए की सरकार बनेगी, जो बिहार को विकास के पथ पर आगे ले जाएगी। आपकी कलम, आप चौथे स्तंभ हो लोकतंत्र के। आपने बहुत कुछ लिख रहे हैं और लिख रहे हैं, कह रहे हैं, बोल रहे हैं, लेकिन सरकार की आंख, कान, नाक वो पूरी तरह से न उनको बहरी है, लंगी है, नुल्ली है, लंगड़ी है, क्या कहा जाए, कौन सी भाषा का उनके बारे में इस्तेमाल किया जाए कि राज्य सरकार बिहार में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है, पैरालिसिस हो गया है बिहार सरकार को, पैरालिसिस के शिकार हो गए। उतना ही नहीं, 990 की उस भयावह स्थिति में बिहार फिर से पहुंच गया। ये दोनों जो कांग्रेस और राजद के गोद में बैठ करके ये पलटू कुमार जी बार बार पलट रहे हैं, और उधर सल्टू राम, उधर उल्टू राम, इधर पलटू राम, पलटू राम, उल्टू राम और सल्टू राम में बिहार फंस गया है। बिहार की जनता यहाँ अपराधियों का और आपराधिक चरित्र वालों का मनोबल इतना बढ़ा हुआ है कि दिन दहाड़े अपराध हो रहे हैं, सुबह हो, दोपहर हो, शाम हो, दिन दहाड़े अपराध हो रहे हैं। वे जानते हैं कि प्रशासन कोई बिगाड़ नहीं सकता, यहाँ की राज्य सरकार कुछ बिगाड़ेगा नहीं, बिहार का पूरा प्रशासन लकवाग्रस्त हो गया है। लखीसराय में हुई घटना अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद है, एक बहुत बड़ी चुनौती है, और मुझे सही में कि उन्हें कहा पहले बस लूटी जाती थी इसी बिहार में 90 के दशक में, आज फिर वही हुआ कि 90 दशक में बिहार की बसें लूटी जा रही है नवादा के अंदर, वहां सब इंस्पेक्टर की हत्या बालू माफिया के द्वारा होता है, यहां आए दिन माफिया पलपुल रहे हैं, माफियाओं का राज हो गया है, कभी महिला पदाधिकारी पीटी जाती है बालू माफिया के द्वारा, कभी दरोगा मारे जाते हैं, ये क्या हो गया बिहार में। आज पूरी तरह से बिहार में जो मुख्यमंत्री को तो पता ही नहीं रहता कि मेरा गृह भी हमारे जिम्मे है, और आज बिहार करा रहा है और बिहार नरक बनते जा रहा है, इसमें कहीं दो मत नहीं, नारकी स्थिति बिहार में हो गया है, परिवार के 6-6 लोगों को गोली मारी गई। पूर्व रेलवे के महाप्रबंधक अमर प्रकाश द्विवेदी और मालदा डिवीजन के डीआरएम विकास कुमार चौबे रेलवे के कई अधिकारियों के साथ मालदा डिवीजन अंतर्गत भागलपुर, जमालपुर और क्यूल रेलवे स्टेशन पहुंचे, जहां जीएम और डीआरएम ने विभाग के कार्य को लेकर भागलपुर समेत अलग अलग रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। इस दौरान जीएम और डीआरएम ने भागलपुर स्टेशन अंतर्गत कई कार्यालयों का निरीक्षण करते हुए यात्रियों के मूलभूत सुविधाओं के साथ साफ सफाई, बिजली की व्यवस्था, यात्रियों के पीने के लिए स्वच्छ
पानी, कैंटीन में खाने की गुणवत्ता और शौचालय की साफ सफाई का भी निरीक्षण किया। वहीं निरीक्षण के दौरान पूर्व रेलवे के महाप्रबंधक ने कहा कि जल्द ही 450 करोड़ रुपए की लागत से भागलपुर स्टेशन का कायाकल्प होने वाला है, जिसका लाभ रेलवे के साथ यात्रियों को भी मिलेगा। इधर पत्रकारों से कई बिंदुओं पर बात करते हुए महाप्रबंधक अमर प्रकाश द्विवेदी ने कहा कि उनके घर भी छठ पूजा होती है और उन्हें भी छठ महापर्व का महत्व पता है, इसीलिए रेलवे की ओर से कई स्पेशल लोकल और एक्सप्रेस ट्रेनें चलाई गईं। साथ ही जीएम ने कहा कि यात्रियों की जरूरत और डिमांड को देखते हुए यशवंतपुर ट्रेन में बोगी बढ़ाने की बात चल रही है, जिसे जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। इसके अलावा हेडक्वार्टर में लखनऊ बरौनी ट्रेन शुरू करने पर भी विचार करने और जल्द ही भागलपुर से यात्रियों को अगरतला राजधानी एक्सप्रेस से यात्रा शुरू करने की बात जीएम ने कही। उन्होंने कहा कि राजधानी एक्सप्रेस के लिए भागलपुर से बुकिंग शुरू हो चुकी है, जो भागलपुर शहर के यात्रियों के लिए खुशी की बात है। जबकि शुरुआत में भागलपुर रूट से राजधानी एक्सप्रेस का परिचालन सप्ताह में एक दिन किए जाने की बात हुई थी, लेकिन आने वाले दिनों में इसका फेरा और भी बढ़ाया जाएगा। वहीं मालदा डीआरएम विकास कुमार चौबे ने कहा कि भागलपुर और क्यूल के बीच बनने वाली थर्ड लाइन की प्रगति रिपोर्ट भी उन लोगों ने ली है, जबकि दोनों पदाधिकारियों ने जमालपुर स्टेशन के कई यार्ड का भी निरीक्षण किया। जो पूरे डॉक्यूमेंटेशन हुए हैं, अभी राजधानी का भी अगरतला वाला का बहुत ज़्यादा डिमांड था, यहाँ का एक दिन कर दिया जाए तो वो भी कर दिया, बुकिंग स्टार्ट हो गई है उसकी। छठ के लिए जो नंबर ऑफ ट्रिप्स और स्पेशल ट्रेन, अभी डीआरएम साहब एक ट्रेन लेकर के यहाँ से जमालपुर के बीच, देखिए मैं भी छठ करता हूँ, मेरी वाइफ करती है, तो हम जानते हैं छठ की क्या महत्व है, पर हमेशा देखते हैं कि छठ में लोगों का बहुत परेशानी रहता है, पर ट्रैवल सभी करना चाहते हैं, उस समय सभी घर पहुँचना, तो हम लोग अपनी ओर से कोशिश करते हैं, हमारी लिमिटेशन जो है उसके अंदर में जितना कोशिश कर सकते हैं, चूँकि ये एरिया इम्पोर्टेंट है तो यहाँ से आसपास हम लोग, ये तो बिहार का पोर्शन है, कलकत्ता में भी हम लोगों ने कुछ स्पेशल ट्रेन चलवाए, लास्ट मोमेंट में भी चलवाए। देखिए कोई भी प्रपोजल जब जाता है तो उसका सिस्टम ये है कि यहाँ से डिवीजन प्रपोज करता है, या कोई एमपी साहब लोग प्रपोज करते हैं, उसको डिवीजन एग्जामिन करता है, डिवीजन को अगर फीजिबल लगता है तो वो हमारे हेडक्वार्टर भेजता है, फिर हेडक्वार्टर में एग्जामिन करके अगर हस्ते फीजिबल भी, बस अगर इंटर रेलवे ट्रेन है तो उनसे भी बात करनी पड़ती है। अब वो बरौनी वालों को हो सकता है कि दुख हो कि मेरा ट्रेन आगे क्यों जा रहा है, सब लोग अपना चाहता है कि मेरे यहाँ से स्टार्ट हो जाए, वो सब कंसिड्रेशन पर ले करके अगर सेटिस्फैक्ट्री लगता है वो रेलवे भी आगे कर सकते हैं, रेलवे बोर्ड को भेजते हैं, फिर रेलवे बोर्ड भी उसको अपने हिसाब से एग्जामिन करके तो भेजते हैं, तो नॉर्मली देर सवेर हो जाता है। भागलपुर और पटना से जो ट्रेन है साउथ के लिए बहुत रहता है। भागलपुर के सीटीएसपी अमित रंजन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीते दिनों भागलपुर ततारपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत लालकोठी मोहल्ले की एक महिला से सोने की चेन छिनतई मामले का खुलासा कर दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीटीएसपी ने कहा कि बीते दिनों सुबह के वक्त मोटरसाइकिल सवार दो अपराधियों ने महिला से चेन छिनतई की घटना को अंजाम दिया था, जिसके बाद ततारपुर थाना में कांड दर्ज कराया गया। वहीं इसके बाद सीटीडीएसपी अजय चौधरी के नेतृत्व में भागलपुर पुलिस द्वारा मामले के अनुसंधान के लिए सीसीटीवी का अवलोकन किया गया, जिसके आधार पर बजाज डिस्कवर बाइक पर सवार दो अपराधियों की पहचान कर ली गई। सीटीएसपी ने बताया कि इस मामले की छानबीन के क्रम में बीते 18 नवंबर को घटना में शामिल हबीबपुर थाना क्षेत्र निवासी रुस्तम मिस्त्री के पुत्र आरोपी मोहम्मद इम्तियाज उर्फ सिरफुट्टा को मुस्लिम हाई स्कूल के पास से घटना में प्रयुक्त बाइक समेत गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके बाद गिरफ्तार अभियुक्त मोहम्मद इम्तियाज ने पूछताछ में पुलिस को अपने सहयोगी के साथ बाइक से घटना को अंजाम देने की बात कबूल करते हुए कहा कि छिनतई के बाद उसे सोने का चैन मोहम्मद तवरेज को बेच दिया। सीटीएसपी ने कहा कि गिरफ्तार अभियुक्त की निशानदेही पर सोने की चैन खरीदने वाले नाथनगर गन्नी चक निवासी मोहम्मद शमशाद के पुत्र मोहम्मद तबरेज को भी उसके घर से गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने बताया कि मोहम्मद इम्तियाज का पुराना आपराधिक इतिहास है और मुजाहिदपुर थाना में उसके खिलाफ हत्या एवं लूट का मामला भी दर्ज है, जबकि हबीबपुर थाना में भी डकैती के मामले में वह आरोपी रहा है। छापेमारी दल में नगर पुलिस उपाधीक्षक, ततारपुर थाना अध्यक्ष इंस्पेक्टर मनीष कुमार, एसआई नईम अहमद समेत ततारपुर थाना के कई जवान शामिल थे। 27/7/23 को ततारपुर थाना क्षेत्र में लालकोठी मोहल्ला से में एक महिला के साथ चेन छिनतई हुई थी, उसमें मोटरसाइकिल सवार थे दो अपराधी, तो सीसीटीवी फुटेज देखा गया कांड दर्ज करने के बाद, और सीसीटीवी से पहचान हुआ कि बजाज डिस्कवर बाइक पे दो अपराध कर्मी सवार हैं, उनकी पहचान की गई, एक का नाम मोहम्मद इम्तियाज़
था उसको फिर गिरफ्तारी किया गया 18/11/23 को मुस्लिम हाई स्कूल से। उससे पूछताछ की गई तो उसने बताया कि वो मोहम्मद तबरेज़ नामक व्यक्ति को चेन बेचा है। फिर हम लोग ने उसके छापेमारी की और उसको भी पकड़ा गया। तो मोहम्मद इम्तियाज़ जो है वो मुजाहिदपुर और हबीबपुर थाना में इसके ऊपर लूट और डकैती का केस था पहले से, और जोकसर थाना में भी एक चेन स्नैचिंग हुई थी, उसके वादी ने भी पहचान की कि इसी ने उनकी भी चेन छीनी है। तो कुल मिला के 4 केसों का अभियुक्त था ये मोहम्मद इम्तियाज़, और इसके साथ जो जिसने चेन खरीदी थी मोहम्मद तबरेज़ वो भी गिरफ्तार हुआ है। और इसमें थानाध्यक्ष तो ततारपुर से उन्होंने अच्छा काम किया है। इसके अलावा जो भी चेन स्नैचिंग हो रही है सारे केसेस का हम रिव्यू कर रहे हैं, और जो कमांड सेंटर बना हुआ है उसमें हम लोग अपनी एक टीम बैठाए हुए हैं जो रेगुलर मॉनिटरिंग कर रहा है, और कैमरे का फीड कैसा है या उसमें नंबर्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं उसकी हम लोग अभी एक टीम बैठा के सारे कैमरों का रिव्यू कर रहे हैं उस कैमरे का एंगल अच्छा रहे ताकि जो भी बाइक सवार से घटना हो रही है तो उस बाइक का नंबर चिन्हित किया जाए। भागलपुर के सुल्तानगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत नई सीढ़ी घाट रोड में विगत 4 नवंबर को सुल्तानगंज नगर परिषद की पूर्व सभापति दयावती देवी के पति रंजीत यादव उर्फ कनबुच्चा यादव पर उसके घर में घुसकर अपराधियों द्वारा ताबड़तोड़ गोलीबारी कर उन्हें घायल कर दिया गया था। वहीं इस मामले में भागलपुर SSP आनंद कुमार के निर्देश पर DSP लॉ एंड ऑर्डर डॉक्टर गौरव कुमार के नेतृत्व में टीम गठित कर जाँच का निर्देश दिया गया है, जिसके बाद पुलिस ने छापेमारी के दौरान गोली कांड में शामिल अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं इस पूरे मामले को लेकर DSP डॉक्टर गौरव कुमार ने बताया कि गोलीकांड के मुख्य अपराधी की गिरफ्तारी नहीं होने पर उनके नेतृत्व में एक टीम गठित कर बुधवार की शाम घाट रोड स्थित मां तारा होटल में छापेमारी की गई, जहां अपराधियों द्वारा योजना बनाकर घटना को अंजाम दिया गया था। DSP डॉक्टर गौरव कुमार ने बताया कि सुल्तानगंज थाना अध्यक्ष प्रिय रंजन कुमार और पुलिस टीम मां तारा होटल पहुंची, जहां घंटों छापेमारी चली, लेकिन वहां से कोई भी सुराग उनके हाथ नहीं लगा। पर जल्द ही पुलिस टीम गोलीबारी घटना के मुख्य अभियुक्त समेत अन्य सभी अपराधियों को गिरफ्तार कर लेगी, जिसके लिए लगातार छापेमारी जारी है।